समृद्धि का चक्र डाला क्या? कैसे हो सुखी? अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, खेत जा रहा हूं। अच्छा, सफलता का चक्र डाला क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। कल्टार का चक्र डाला क्या? क्या हुआ? अरे कुछ आवाजें आई। आवाजें? अरे वो समृद्धि सफलता और वो कल्टार वाली। अच्छा वो आवाज। अरे ये तो तरक्की की आवाज है। तरक्की? हाँ वो बताता हूँ। भैया इन्हें भी बहुत कल्टार की आवाजें आ रही है। देखो कल्टार के इस्तेमाल से आपका भी बाग आम के अधिक उत्पादन से खिल उठेगा। ये देखिए कल्टार के फायदे। अगर आपके बाग में आम की उपज हर साल नहीं आती है या अगर आपके बाग में आम की एक समान उपज नहीं आती तो कल्टार के प्रयोग से आपके बाग की सही और बेहतर उपज आपको मिलेगी। कल्टार के इस्तेमाल के चार मुख्य फायदे हैं। एक, फूलों का समय से जल्दी आना। दो, फूलों की मात्रा में बढ़ोतरी। तीन, एक समान फूल आने की वजह से बेहतर आम की पैदावार। चार, मार्केट में आम की पैदावार जल्दी उपलब्ध होना और ज्यादा मुनाफा पाना। कल्टार प्रयोग की सुझावित विधि। कल्टार का प्रयोग वृक्ष की छाया के आधार पर यानी दोपहर 12 बजे की धूप में करें। वृक्ष की छाया के आधार पर थालों का निर्धारण करें। थाले 5 से 6 इंच गहरा एवं 3 से 4 इंच चौड़ा 10 से 12 लीटर पानी के साथ मिश्रण करके समान मात्रा में कल्टार के घोल का बिखराव करें एवं मिट्टी से ढक दें। यदि वर्षा ना हो तो कल्टार प्रयोग के 5 या 7 दिन बाद हल्की सिंचाई करें। कल्टार की सही मात्रा 4 मिलीलीटर कल्टार प्रति 1 मीटर व्यास के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, यदि पेड़ की छाया का व्यास 4 मीटर है तो 16 मिलीलीटर कल्टार का प्रयोग करें। इस प्रकार से व्यास जितना ज्यादा उतनी ज्यादा कल्टार की मात्रा का प्रयोग। हाँ पर एक बात का ख्याल हमेशा रहे, कल्टार खरीदते समय सूर्य की रोशनी में ही सिंजेंटा के लोगों की जांच करें। अब आप किसी आवाज का इंतजार मत कीजिए, अपने तरक्की की आवाज खुद बनिए। सिर्फ कल्टार अपनाइए।